पाठ योजना चार डेलट सेकेंड सेमेस्टर। सबसे ऊपर हम लिखेंगे पाठ योजना चार, इस तरफ लिखेंगे दिनांक, फिर कक्षा, फिर विषय, फिर उप विषय, फिर चक्र, फिर अवधि। नीचे लिखेंगे प्रकरण, हमारा प्रकरण है पतंग, पतंग पाठ को हम बच्चों को पढ़ाएंगे। सबसे पहले हेडिंग हमारी रहेगी सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम इन सभी उद्देश्यों को जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे। दूसरी हेडिंग होगी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम इन दो उद्देश्यों को लिख देंगे। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वह होगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे सभी छात्र पतंग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे पतंग का चित्र, चाक, डस्टर तथा अन्य शिक्षा उपयोगी उपकरण आदि। नेक्स्ट इसके बाद हमारी हेडिंग होगी प्रस्तावना प्रश्न। इसमें हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक छात्रा अध्यापिका क्रियाएँ और छात्र क्रियाएँ। इसमें पहला हम इसको लिखेंगे और इधर इसका आंसर लिखेंगे इसको। इसके बाद नेक्स्ट जो है चार इसमें लिखने हैं, तो दूसरा हमारा ये रहेगा, थर्ड ये और फोर्थ ये, और इधर इनके ये आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट होगा हमारा उद्देश्य कथन के नाम से अगली हेडिंग होगी। इसमें हम लिखेंगे बच्चों आज हम सभी पतंग नामक कविता पाठ का रसवादन करेंगे। इसके बाद हमारी हेडिंग होगी प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम लिखेंगे सर सर डैश 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 उड़ी पतंग। अगला जो टॉपिक होगा हमारा प्रस्तुतिकरण के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर शिक्षण बिंदु, यहाँ पर छात्रा अध्यापिका क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ और मूल्यांकन प्रश्न। इसको चार भागों में इस तरह से डिवाइड कर देंगे। सबसे फर्स्ट इसमें हम डालेंगे हेडिंग हमारी आदर्श वाचन के नाम से। इसमें ये पूरा हम नोट कर देंगे, छात्र क्रियाओं में इसको नोट करेंगे और मूल्यांकन प्रश्न में इसको नोट करेंगे। दूसरी होगी हमारी हेडिंग अनुकरण वाचन। इसमें हम इसको नोट करेंगे, इस वाले कॉलम में इसको नोट करेंगे और इस वाले कॉलम में इसको नोट कर देंगे। तो हमारा इतना तो जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर कठिन निवारण, तो इस वाले कॉलम में इसको नोट करेंगे, बाकी दो कॉलम जो हैं छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे जो है ये अर्थ समझाएगी ये उसी में ऊपर वाले ही कॉलम में था। नेक्स्ट हमारा आता है, अगली हेडिंग है हमारी बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में तीन जो हैं ये प्रश्न लिखे जाएंगे और इनके इधर उत्तर लिखे जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा श्याम पट कार्य। श्याम पट कार्य में जो हम श्याम पट कार्य करेंगे वही श्याम पट कार्य हमें इस पर नोट करना होगा। इसके लिए हम एक ब्लैक चार्ट को काट कर इस तरह से उसका टुकड़ा निकालेंगे, फिर वाइट स्पार्कल से उस पर इधर लिखेंगे शब्द इधर अर्थ, और उस टुकड़े को अपने हम कॉपी पर चिपका देंगे अच्छी तरीके से। जब सूख जाएगा तब लिखना प्रारंभ करेंगे। एक तरफ लिखेंगे खूब, इधर लिखेंगे अधिक बहुत, इधर लिखेंगे सैर, इधर लिखेंगे चक्कर घूमना, इधर लिखेंगे लड़ना, इधर लिखेंगे झगड़ना। जब हमारा श्याम पट कार्य पूरा हो जाएगा, श्याम पट कार्य पूरा हो जाने के बाद हम नीचे बढ़ेंगे, नीचे लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। इसमें हम इसको पूरा नोट कर देंगे। फिर नीचे हम लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य जो आखिरी हेडिंग रहेगी इसमें हम कहेंगे लिखेंगे कि सभी बच्चे पढ़ाई गई कविता पाठ को कंठस्थ करके आएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है पाठ योजना चार कंप्लीट होती है। पाठ योजना जो है पाँच हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक भी किया होगा और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी किया होगा, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।